So this is the my Indian helicopter and air condition, the natural one. So I show me round old Delhi area. This is the Chandni Chowk Spice Market. ये इटालियन बोल लेते हैं, ये जर्मनी का भाषा बोल लेते हैं, ये अंग्रेजी बोल लेते हैं। अंग्रेज आते थे तो उनके पास जाकर सुनते थे क्या बोल रहे क्या नहीं बोल रहे, सारी तरह से सिल्वर इस तरह से रात ये तरह से क्या होता है, so, इस तरह से स्पीक द जर्मन द वर्ड ऑल्सो। ये सब मेरे लिखने भी नहीं आता है ना पढ़ने आता है, खाली थोड़ा बहुत बोल लेता हूँ, स्पीक कर लेता हूँ, ओल्ड दिल्ली के बारे में समझा बता देता हूँ मैं। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि और आप देख रहे हैं द इंडियन स्टोरीज। पहले तो जगह देख लीजिए आप, मैं चांदनी चौक के पास मौजूद हूँ। पीछे लाल किला आपको दिखाई दे रहा होगा, इसी लाल किला के सामने जो चांदनी चौक का रास्ता है, इस पर एक रिक्शा वाले काफी वायरल हो रहे हैं। आपको बता दें कि ये रिक्शा वाले अलग अलग भाषाओं में बात करते हैं, ये इटालियन बोल लेते हैं मतलब इटली का भाषा बोल लेते हैं, ये जर्मनी का भाषा बोल लेते हैं, ये अंग्रेजी बोल लेते हैं, और यहाँ पे जो भी टूरिस्ट आते हैं उनको समझा देते हैं उनकी भाषा में। सबसे पहले असलम जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। थैंक यू मैडम। पहले तो मुझे ये बताइए, रिक्शा वाले होके अंग्रेजी कैसे आ जाएगा, इटालियन कैसे आ जाएगा, जर्मन कैसे आ जाएगा? मैडम, हमें लॉन्ग टाइम काम करते हो गया, 17 से 15 साल काम किए लाल किले पे। और 2 साल तक जो है हम भागा दौड़ी किए, अंग्रेज आते थे तो उनके पास जाकर सुनते थे क्या बोल रहे क्या नहीं बोल रहे। फिर मैंने अपने दिमाग में जो है कैच किया, उसके बाद मुझे आइडिया आया कि मैं रिक्शा में चलाऊँगा और अंग्रेज को फॉरनर को ओल्ड दिल्ली के बारे में बताऊंगा और समझाऊंगा और घुमाऊंगा अंग्रेजों को। पहले हम पूछते हैं, सर हम रिक्शा वाले हैं, आपको ओल्ड दिल्ली जाना है चांदनी चौक, तो हम सारा घुमा देंगे आपको। अच्छा, तो मान लीजिए कि मैं आई हूँ घूमने के लिए और मुझे हिंदी नहीं आती है, अगर आपको ओल्ड दिल्ली के बारे में कुछ बताना होगा, क्या मुझे बताने का प्रयास कीजिएगा? पहले मैं आपके पास आऊँगा, पहले मैडम आपसे बोलूँगा हेलो हाउ आर यू मैम, सो आई एम फाइन, सो यू हैव योर एवरीथिंग ओके? यस, इट इज ऑल ओके। सो आई एम रिक्शा ड्राइवर, so maybe I show me round old Delhi and Chandni Chowk. I am rickshaw driver also. So this is the my Indian helicopter and air condition, the natural one. So I show me round old Delhi area. This is the Chandni Chowk Spice Market and the wedding market, sari market, silk market and pashmina market and small narrow street and old house. So this is the narrow line. My before my video is viral also. So narrow line is very famous and England is very famous a chicken tikka masala. अरे बाप रे, हेलीकॉप्टर बना दिया आपने रिक्शा को? जी यस यस, जॉकिंग इज हेलीकॉप्टर, सो माय क्लाइंट इज हैप्पी आल्सो। अच्छा, जब यहाँ पे अंग्रेज बैठते हैं तो क्या रिएक्शन उनका होता है? रिएक्शन ये होता है सो खुश हो जाते हैं। फिर मैं उनसे बोलता हूँ सो हाउ लाइक माय हेलीकॉप्टर, तो वो हंसने लगते हैं। सो आई वेरी नाइस यू आर हेलीकॉप्टर आल्सो। अरे बाप रे, मतलब अच्छे अच्छे लोग जो है वो कन्विंस नहीं कर पाएंगे लोगों को। सोचिए, इस जगह पे अलग अलग भाषाओं के लोग आते हैं, अंग्रेजी में ये इनको कन्विंस कर लेते हैं और दिल्ली के बारे में बता देते हैं कि भाई सारी मार्केट किस तरफ है, और अपने हेलीकॉप्टर पे बैठ के जो एयर कंडीशन एकदम नेचुरल एयर कंडीशन यहाँ पे मिलेगा, खुले में आप घूमेंगे तो उनको एक बड़ा मज़ा आता होगा। अंग्रेजी तो मान लीजिए कि बहुत जगहों पे बोला जाता है, आसान है कि कुछ कुछ शब्द आप मोबाइल हो गया ये सब अंग्रेजी में बोलते हैं, लेकिन इटालियन अगर आप सीख लेते हैं, जर्मन आप बोल लेते हैं, ये कैसे मतलब मुमकिन है? सो जर्मन भी थोड़ा बहुत बोल लेता हूँ, सो गुड टाक, सो जर्मन आलेस गुड, सो आलेस मिस ओके, सो माय रिक्शा फॉरन, सो ओल्ड दिल्ली इन द ओल्ड टाउन, दिस इज द ओल्ड द स्पाइस इस तरह से, सारी इस तरह से, सिल्वर इस तरह से, रात ये इस तरह से क्या होता है? सो इस तरह से इज स्पीक द जर्मन द वर्ड आल्सो, द ऑल द मार्केट इज इस तरह से। अच्छा, सो आल्सो रात हाउस द हेरिटेज बिल्डिंग आल्सो। अच्छा, आप कैसे हैं को कैसे पूछेंगे अगर हम जर्मन में पूछेंगे तो? सो जर्मन में पूछेंगे सो आल्स गुड, ऑल इज गुड, है ना, ऐसे पूछ लेंगे। और कुछ बताना चाहेंगे जर्मन में क्या क्या बोला जा सकता है? गुडन टॉक, गुडन टॉक, या नमस्ते। अच्छा, नमस्ते को गुडन टॉक कहते हैं जी। अरे बाप रे, मतलब एक ताली बजा दें आप लोग यहाँ पे खड़े खड़े, है ना, कि एक रिक्शा वाले को ये कॉन्फिडेंस दे के ना, मतलब लोग चाहेंगे कि वो भी सीखे जर्मन सीखना, इटालियन सीखना, अलग अलग भाषाओं को सीखना। और किस किस भाषाओं में आप बोल लेते हैं? थोड़ा बहुत इटालियन बोल लेता हूँ। ऊपर आके बैठ के बात करते हैं आपसे, है ना। तो भैया, दूसरा कौन सा भाषा बोल रहे हैं? सो लिटिल ऑल्सो इटालियन स्पीक, सो इटालियन, सो पीपल कमिंग ऑल्सो इटालियन पीपल, सो सर आई एम बिचिक्लेट ड्राइवर, सो बिचिक्लेटा एन जीरो ओल्ड दिल्ली, सो ओल्ड क्या बोले, बिचिक्लेटा, बिचिक्लेटा, इसका मतलब क्या होता है? हम रिक्शे वाले हैं। अच्छा, सो रिक्शा एन ओल्ड दिल्ली, सो बिचिक्लेटा जीरो ओल्ड दिल्ली, दिस इज ओल्ड द मर्काटो, मर्काटो स्पाइसिया, मर्काटो प्लाटा, मर्काटो सारी, आला मिस्किता एंड पिकोलो पिकोलो बाजार।
अरे भैया उनके साथ तो एक मतलब गाइड आते हैं, तो वो इतना नहीं समझा पाते होंगे जितना आप समझा देते हैं। जब विदेशी को समझाते हैं तो उनका क्या रिएक्शन रहता है? वो मैडम खुश होते हैं, हैप्पी होते हैं, कहते हैं तू रिक्शा वाला है, मेरे को रिक्शे में भी चलाया, बताया भी, समझाया भी, हैप्पी होकर जाते हैं, सब खुश होकर जाते हैं, नंबर भी लेते हैं हमारा, फिर अपने दोस्तों को नंबर देते हैं, शेयर करते हैं, और उनके दोस्त भी आते हैं हमारे पास खुश होकर। आते हैं तो आप ही को फ़ोन करते हैं कि भैया कहाँ गए असलम जी? जी जी हमें हाँ कॉन्टेक्ट करते हैं, फिर उन्हें हम घुमाते हैं, फिर वो भी खुश होकर जाते हैं, फिर वो दूसरे को नंबर देते हैं कि असलम रिक्शा वाला बेटर है, अच्छा से घुमाता है, एक्सप्लेन ओल्ड दिल्ली बारे में सब समझा देगा। ओल्ड दिल्ली को अगर जानना है तो असलम जी से संपर्क कीजिए, बहुत अच्छे तरीके से जिस भाषा में आप सीखना चाहें उस भाषा में आपको बताएंगे कि ओल्ड दिल्ली में क्या क्या है, कौन कौन सा मार्केट है और क्या क्या है। मेट्रो से जब आप चांदनी चौक की तरफ आएंगे, यहाँ पे हज़ारों रिक्शा मुझे देखने को मिला, और उन हज़ारों रिक्शा में आपको लोग ढूंढते हुए नज़र आ रहे हैं। जब ये वायरल आप हो गए, कब पता चला कि आप वायरल हैं? बहुत दिन पहले की बात है मैम, एक इंग्लैंड का मेरा क्लाइंट था, उनको हम लेकर आए, उनको इंग्लैंड का क्लाइंट थे? जी, हाँ, जी। तो उनको बैठा के हम समझा रहे थे, किसी भैया ने मेरा वीडियो शूट कर दिया, हाँ। और शूट करने के बाद इंस्टाग्राम पे मेरा शेयर कर दिए, हाँ। तो मैं घर गया तो मेरे गांव के भाई का लड़का जो है उनने मेरे को फ़ोन किया, बोला असलम भाई तुम्हारा वीडियो वायरल हो रहा है, हाँ। तो मैंने बोला मैंने क्या कर दिया, मैंने कुछ किया भी नहीं, तो मेरा वायरल कैसे हो रहा है? तो फिर मैंने वीडियो देखा तो मेरे को झटका लगा, मैंने वीडियो बनाया नहीं और मेरा बनाने नहीं आता ये सब, हाँ। क्योंकि मैं पढ़ नहीं पाता। उसके पहले आप नहीं चलाते थे फोन वगैरह, इंस्टाग्राम वगैरह, फेसबुक, कुछ भी नहीं? नहीं, ये सब नहीं, मेरा लिखने भी नहीं आता है ना पढ़ने आता है, खाली थोड़ा बहुत बोल लेता हूँ, स्पीक कर लेता हूँ, ओल्ड दिल्ली के बारे में समझा बता देता हूँ मैं, और क्लाइंट मेरा सब समझ जाते हैं। अच्छा, जब पता चला वायरल हो गए, लोग ढूंढते ढूंढते आ रहे हैं, मैं अभी बहुत मतलब मुझे लगता है 10वें 20वें नंबर पे हूँ आपका इंटरव्यू करने के लिए, तो लोग मतलब पूरे भारत से कोई अगर चैनल वाले आ रहे हैं तो आपको असलम जी को ढूंढते आ रहे हैं, तो मतलब महसूस कैसा हो रहा है? क्योंकि इस लाइमलाइट के लिए, इस वायरल होने के लिए लोग मरते हैं और आपको वो जो है वो मिल चुका है अभी। हमें बहुत खुशी हुआ, बहुत हमें अच्छा लग रहा है, और हमारे भाई लोग हमें सपोर्ट भी कर रहे हैं, मेरा इंस्टाग्राम को फॉलो कर रहे हैं। क्या नाम है आपके इंस्टाग्राम का? मेरा इंस्टाग्राम का नाम है असलम रिक्शा वाला। जाइए और जल्दी से सब्सक्राइब, जल्दी से फॉलो कीजिए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कर लेते हैं आप अलग अलग लोगों को फॉलो, लेकिन एक रिक्शा वाले को कीजिए जो इतना बेहतरीन इंटरटेन करके अपने टूरिस्ट को घुमाते हैं और ओल्ड दिल्ली के बारे में बताते हैं। असलम जी कहाँ से हैं आप? हम यूसुफपुर मोहम्मदाबाद जिला गाजीपुर से हैं जी, उत्तर प्रदेश से आप? जी, उत्तर प्रदेश से हम हैं। घर में कौन कौन है आपके? घर में मेरे भैया हैं, एक बहन है, और मैं हूँ, मेरी फैमिली है, मेरे बच्चे हैं। असलम जी वायरल तो लोग होते हैं, आप भी वायरल हैं, आपके पास लोग ढूंढते हुए आ रहे हैं, रिक्शा वाले की हालत अगर मैं देखूँ, अगर पीछे घुमा के दिखाइए कितने रिक्शा वाले आपको नजर आएंगे, कम से कम आपको यहाँ पे इस जगह पे कम से कम 50 रिक्शा एक आसपास देखने को मिल जाएगा, लेकिन किसी पर भी जो है वो कस्टमर नहीं बैठा हुआ है। कैसे रोजी रोटी चलती है? वायरल होने से तो रोटी नहीं मिल जाएगी? नहीं, रोटी नहीं मिलता, मेहनत करने से रोटी मिलती है मैम। हम मेहनत कोई सा भी हो, रिक्शा हो, मटकम हो, मजदूरी हो, मेहनत करने से पीछे नहीं हटते हैं, है ना, हम शर्म करते हैं कोई काम में। हम अब तो मेरा काम जो है बंद होने वाला है, क्योंकि अब गर्मी आने वाला है, तो गर्मी में टूरिस्ट नहीं आते हैं, तो हम जो है फल वल बेचने लगते हैं। फल बेचिएगा इसके बाद जी, उसके बाद फल बेचेंगे, फल नहीं बेचेंगे मैम तो बच्चे कहाँ जाएंगे? स्कूल का फीस है, मेडिकल है, दवा है, अपना खुराक है, खाना पीना है, घर का किराया है, कहाँ से लेकर आएंगे हम? कितना कमा लेते हैं शाम तक? शाम तक मैम कभी 800 रुपया, 1000 रुपया भी, 500 भी, कभी 1 रुपया भी नहीं कमाते हैं, क्योंकि हम लोकल हम नहीं चलाते हैं, सिर्फ टूरिस्ट को ही घुमाते हैं। लोकल लोगों को आप नहीं बैठाते? नहीं, लोकल नहीं बैठाते मैम। तो 700-800 रुपये दिल्ली जैसे महंगे शहर में तो ये तो एकदम हाथ का मैल जैसे उड़ जाता होगा, कैसे संभाल लेते हैं परिवार को? बस उसी में चला लेते हैं, थोड़ा बहुत कम बेसी करके अपना मैनेज कर लेते हैं। दो बेटियां भी हैं आपकी? जी, दो बेटी है, एक बेटा। क्या बनाना चाहते हैं बेटी को और बेटे को? बस बनाना तो बहुत बड़ा सपना है मैम, बट वही है, अब तो रिक्शा चला रहे हैं, इसके लिए तो बजट चाहिए, पैसा चाहिए, बच्चों को स्कूल में पैसा लगता है। इसके साथ साथ मैं एक चीज बताऊंगी, उतरते हैं असलम जी, ये जो रिक्शा आप देख रहे हैं ना, जिस वायरल रिक्शा वाले को आप इतना सपोर्ट कर रहे हैं, उसके पास खुद का अपना रिक्शा तक नहीं है, ये दूसरे का रिक्शा चलाते हैं, जब भी कोई क्लाइंट मिलता है दूसरे के रिक्शा पे बैठा के ये घुमाते हैं, और जो पैसे मिलते हैं तब वो थोड़ी बहुत कमाई हो पाती है, मतलब आपके पास अपना खुद का भी रिक्शा नहीं है? नहीं, अब रिक्शा नहीं है, एक रिक्शा था, मेरे को एक क्लाइंट देकर गया था खुशी में, मैं उसको घुमाया था, बहुत लॉकडाउन से पहले की बात है, तो उसको मैं साइड सीन किया तो हैप्पी हो गया, तो वो घूमकर फिर दो दिन के बाद आया, मेरे पे फ़ोन किया, असलम तुम कहाँ हो, मैं तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। मैंने क्या,
तो बोला मैं तुम्हें रिक्शा खरीदवाऊंगा, तो मेरे को एक रिक्शा खरीदवा के वो गया था बंदा। तो फिर कुछ दिन 4-5 महीना चलाए, उसके बाद चोरी हो गया, रिक्शा चोरी हो गया। रिक्शा चोरी हो गया, यहाँ पे 2 मिनट में गायब हो जाता है, तो रिक्शा चोरी हो गया, फिर किराए पे चलाने लगे। ये बैग बैग है मेरा यहाँ पे, पैसे मत बोलिए। नहीं, कितने का रिक्शा आता है? मैम ये 15,000 का आ रहा है। 15,000 का मात्र एक रिक्शा आता है? 15,000 का आ रहा है। जितने लोग देख रहे हैं, इंटरटेन तो आप बहुत हो गए, रिक्शा वाली को बहुत आपने सपोर्ट कर लिया, आपके लाइक और शेयर से इनका पेट नहीं भरने वाला है। मैं यही एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, और आप भी करना चाहेंगे अगर मुझे अच्छा लगेगा, अगर आप करते हैं रिक्वेस्ट तो, कि एक रिक्शा हम लोग अगर मिला के इनके लिए अगर अरेंज कर देते हैं ना, तो बहुत अच्छी बात होगी। 15,000 मुझे लगता है कि 5-6 बार रेस्टोरेंट में बड़े बड़े खा लेने पर वो चीज़ें खत्म हो जाती हैं। अगर मिला जुला के अगर डोनेट करके अगर एक रिक्शा असलम जी के लिए आ जाए, तो ये रिक्शा वाला जो है वो कितने सारे टूरिस्ट और कितने सारे विदेशियों को ओल्ड दिल्ली के बारे में बता सकता है, बता सकता है कि हमारी दिल्ली का क्या योगदान रहा है, क्या अहमियत है पूरे देश में। तो ये सबसे अच्छी बात है। तो कुछ कहना चाहेंगे जो लोग आपको देख रहे हैं, क्योंकि आपकी ज़रूरतों के बारे में लोगों ने बहुत कम पूछा है, लोगों ने इंटरटेन बहुत किया है, लोगों ने पूछा है कि आप स्पेनिश कैसे बोलते हैं, आप इटालियन कैसे बोलते हैं, क्या कुछ कहना चाहिएगा? मैं यही कहना चाहता हूँ, भाई लोग हमें वायरल कर दिए और हमें लाइक किए, भाई लोग से मैं बहुत खुश हूँ, और इसी तरह हमें प्यार करें और खुश रखें, सपोर्ट करें, और मेरे इंस्टाग्राम को भी सपोर्ट करें। तालियां बजाइए भाई एक बार भैया के लिए। और इंस्टाग्राम से जितना पैसा आएगा उतना आधा में गरीबों को हम दान कर देंगे, गरीबों लोग को हम दे देंगे। अरे बहुत बड़ी बात कह दी आपने, निकालिए आप लोग इंस्टाग्राम भाई, फॉलो कीजिए इनको, रिक्शा वाले को फॉलो कीजिए, निकालिए आप लोग फोन सबके हाथ में, नाम बताइए रिक्शा वाला, असलम रिक्शा वाला इधर दिखाइएगा, सामने सामने फॉलो हो रहा है। So any you take your money Instagram, I'm half money also, you know, donate all the low people also. Okay. I'm promise. You promise? Yes, I'm promise. I'm पक्का promise. Believe me. कर दिए, कैसा लगा पहले रिक्शा वाले को ऐसे बोलते हुए देखे? गुड। बहुत लोग अंडरएस्टिमेट कर लेते हैं रिक्शा वाले को। मैंने देखी है भैया की वीडियो, आपने भी देखा है, कैसा लगा? बढ़िया लगा, वो बढ़िया। राजस्थान से आए, गंगानगर से। हाँ जी, राजस्थान के व्यूअर्स हैं आप? कहाँ के व्यूअर्स? राजस्थान के, गंगानगर से। आप भी राजस्थान के व्यूअर्स हैं, आप लोग भी जानते हैं इनको? ये सारे राजस्थान के, गंगानगर से। अरे भैया की वीडियो देखी है मैंने, बहुत देखी है। राजस्थान वाले मिलके एक बार ताली बजा दीजिए असलम जी के लिए, देखते कितना पावर है आपके ताली में। चलिए, मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा असलम जी का ये वीडियो, इतना सारा प्यार जो है वो आप बरसा रहे हैं, जाके इनके इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए और खूब सारा सपोर्ट कीजिए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी और एक नई जानकारी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।